और जो जिस मकसद से आए हैं उनका मकसद पूरा होने पाए प्रभु जी। पिताजी ये सारे लोग तेरे लहू में खड़े हुए तो है लोग प्रभु जी, आपने कलवरी क्रूस पर हम लोग का ये पूरा काम पूरा मामला भी है धर्म परिवर्तन वाला है। और एक जो लालच दे करके एक अंधविश्वास, जानते हैं गांव गरीबों में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा रहता है, भूत प्रेत का, बच्चा ना पैदा होने का, ये सब सारी चीज़ों को ये भ्रमित करके जो है धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। पैसे का लालच दे रहे हैं, मकान बनाने का लालच दे रहे हैं, हैंडपाइप का लालच दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो है, जो औरतों के अंदर जो होता है, उन्होंने एक कमजोर नस पकड़ रखी हिंदुत्व को खत्म करने के लिए, कि अंधविश्वास का जो एक तीर चला रखा है कि जीसस के अंदर, क्रॉस के अंदर आने पर सारे भूत प्रेत और जो भी दूषित आत्माएं दूर हो जाती है, ये सारा नाटक दिखा करके उनको धर्म परिवर्तन कर। सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की है और उसमें अगर कुछ लोग पुरुष लोग हैं जो अनपढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग हैं। तो इस तरह से ये बड़े चालाक लोग हैं, अपने गरीबी अपने पिछड़ेपन का लाभ ले रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए कि यह है हिंदू धर्म को कमज़ोर करने की बात की गई है, चाह रहे हैं कि इनकी संख्या कम से कम हो, जिस दिन मेजॉरिटी आएगी उस दिन हमारा राज होगा, हम जैसे चाहेंगे वैसे वैसी सरकार बनेगी गवर्नमेंट। ये थाना मर्दा के क्षेत्र अंतर्गत थाना अध्यक्ष को सूचना मिली थी कि कोई आदमी अपने घर में धर्म सभा नियम के विपरीत करा रहा है, लोगों के विरोध के बावजूद करा रहा है। थाना अध्यक्ष मौके पर गए, दरोगा पुलिस मौके पर गई, जांच की, मुन्ना भारती नाम के शख्स थे, उनसे बातचीत की गई, वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, पुलिस को देखकर जो हट गए, इनसे पता किया गया कि ये क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा आक्रामक हो गए और एग्रेसिव होने के बाद पुलिस पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, गाली गलौज करने लगे। इनका कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ना करें इसीलिए इनका 151 में चालान किया गया। ये मुन्ना भारती है और मऊ क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं, यहाँ पर आकर इस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं, धर्म सभा का आयोजन कई वर्षों से लोग करा रहे हैं। ठीक है।